Namaste and welcome to this exciting episode of Satology, Debunking Mythology. Satology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake lie or imagination. आप सबका सतोलॉजी के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है. सतोलॉजी यानी कि सत्य का विज्ञान या सत्य की पढ़ाई, और उसके विपरीत है मिथोलॉजी, मतलब काल्पनिक या जिसका कोई बेसिस नहीं उसकी पढ़ाई और उसका विज्ञान. आज हमारे साथ आप सब बहुत अच्छी तरह उनको जानते हैं, ऑथर हैं, उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं और दार्शनिक हैं. ही इज द ओनली दार्शनिक इन आवर शो. हेलो सो लेट अस वेलकम श्री रामेश्वर मिश्र पंकज. नमस्कार। नमस्कार. नमस्कार. आज हम डिस्कस कर रहे हैं भारत माता में. तो पहली बात तो भारत माता की जय. तो भारत माता की जय। शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये आप 33 करोड़ देवी देवता देखते हैं, उसमें से एक भी भारत माता नहीं. नहीं, उसमें भूमि देवी हैं, वराह देव हैं, उसमें अनेक अन्य वसु हैं, मरुत हैं, लेकिन भारत माता नहीं है. ये भारत माता का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये भूदेवी जो है जो सनातन उससे लिया है, लेकिन ये आया है जब बंगाल के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव फैल गया, तो उस समय बंकिम चंद चटर्जी एक बहुत अच्छे पढ़े लिखे संस्कृत और अंग्रेजी दोनों के जानकार विद्वान थे, तो उन्होंने एक उपन्यास लिखा आनंद मठ। तब तक ब्रिटिश शासन आ गया था भारत में 1858 के बाद, तो उन्होंने आनंद मठ में जो चित्रण किया वो बड़ा सुंदर, एक सन्यासियों का मठ है जो कि देश के लिए चिंतित हैं, और उसी समय अंग्रेज जो है वो कुछ अत्याचार करते हैं तो वो उसका प्रतिरोध करते हैं, ये दिखाया है उसमें। जो मुख्य बात ये है कि वो सन्यासियों को, सन्यासी एक आश्रम बनाते हैं और उसमें बाकायदे वेद शास्त्र सबकी शिक्षा होती है, लेकिन साथ ही वीरता की भी, शौर्य की शिक्षा होती है, और साथ ही वो भारत माता की उपासना उनको सिखा दिया, तो वंदे मातरम वो गाना गाते हैं। और ये वंदे मातरम इतना लोकप्रिय हुआ कि उस समय जितने क्रांतिकारी थे भारत के जो ब्रिटिश शासन को हटा देना चाहते थे, वो सब उस आनंद मठ के प्रकाशन के बाद वंदे मातरम गाने लगे। वंदे मातरम कोई आपस में संबोधन, खासतौर से जब बंगाल में करजन ने बंगाल को बांटने की कोशिश की 1905 में, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल, और उसमें इरादा उसका यही था, पूर्वी और पश्चिमी नाम थे, इरादा था कि मुसलमानों के लिए पश्चिम बंगाल रहेगा और हिंदू पूर्व में रह सकते हैं, तो वो अंत में अंग्रेज तो सफल हुए 1947 में आके, जो बांग्लादेश बना है वो वही है जिसको करजन चाहता था, पश्चिम बंगाल, लेकिन उस समय बंगाल के लोग बहुत जागृत थे तो उन्होंने इसका विरोध किया, बंग भंग का प्रचंड विरोध हुआ। पहली बार असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन सब उसी समय चले हैं 1905 में, और चितरंजन दास उसके बहुत बड़े नेता थे और श्री अरविंद थे। चितरंजन दास वो हैं जिनको स्वयं स्वामी विवेकानंद बहुत मानते थे, और बाद में श्री अरविंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सब लोग चितरंजन दास से जुड़े थे। खैर, तो मुख्य बात यह है कि बंगाल के विभाजन के विरुद्ध जो व्यापक आंदोलन चला, जिसमें लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ये सब लोग, उन्होंने बंगाल का दौरा किया और देश भर का दौरा किया और करजन का विरोध किया, जिससे उनको बंगाल का विभाजन की मांग वापस लेनी पड़ी। ये अलग बात है कि बाद में अपने सहयोगियों जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा जो चीज उन्होंने 1905 में सोची थी वो 42 साल बाद 1947 में, या 41 साल बाद कह लीजिए, या 40 साल बाद 1906 में तो वापस लिया, लेकिन 1946 में उन्होंने बांट दिया भारत को। लेकिन अभी आपने जो प्रश्न किया है उसका यह है कि 1905 में जो बंगाल के विभाजन का विरोध हुआ उस समय सबसे ज्यादा वंदे मातरम गायन जगह जगह गाया गया, और वो इतना शक्तिशाली था कि देश भर में गाया गया, यहाँ तक कि महाराष्ट्र में वीर सावरकर थे, विनायक दामोदर सावरकर, और उनके तीन भाई थे गणेश दामोदर सावरकर और नारायण दामोदर सावरकर, इन तीनों ने भी बहुत काम किया, और इन्होंने भी उसी समय विदेशी वस्त्रों की होली जलाई, विदेशी का मतलब ब्रिटिश कपड़ों की, क्योंकि ब्रिटिश कपड़े
बहुत ही मोटे खुरदुरे होते थे और जबरन थोपे जा रहे थे भारत में। भारत के कपड़े के सामने ब्रिटिश कपड़ा तो बहुत ही निम्न स्तर का था, लेकिन जबरन थोप रहे थे। और यहाँ की भारत की जो वस्त्र उद्योग है, सूती वस्त्र और मलमल वस्त्र, इन सबको दबा रहे थे, कारीगरों के अंगूठे काट रहे थे, बहुत अत्याचार कर रहे थे। रजनी पाम दत्त ने और कई लोगों ने उस पर पुस्तकें लिखी हैं। तो उसके विरोध में ये सब चला। अब उसमें वंदे मातरम, लेकिन वंदे मातरम क्या है? तो वंदे मातरम उस समय ये लोग इंग्लैंड के बारे में, इंग्लैंड जाते आते थे और इंग्लैंड के बारे में जान रहे थे। उसी समय इंग्लैंड में नेशन स्टेट उभर रहा था पहली बार 19 सेंचुरी के अंत में, और 20th के प्रारंभ में तो काफी तेज हो गया था नेशन स्टेट की मांग। कुल 100 125 साल पुराना है नेशन स्टेट यूरोप में। तो इन्होंने सोचा, फिर वहां वो फादरलैंड की बात हो रही थी इंग्लैंड में और जर्मनी में भी और फ्रांस में भी, फादरलैंड। तो इन्होंने सोचा कि हम इनसे बढ़ के अपने को हर विषय में श्रेष्ठ बताएं तो हम मदरलैंड की बात करेंगे। तो फादरलैंड के उसमें मदरलैंड की बात आई और उसको मातृभूमि कहा, और फिर अंत में उसे भारत माता कहा। तो जो वंदे मातरम है उसमें जो गायन है वो, चूंकि संस्कृत भी पढ़े थे, शास्त्र भी पढ़े थे, तो उन्होंने अतीत की निरंतरता में, पास्ट की कंटिन्यूटी में उसे रखा। तो वंदे मातरम का जो गायन है उसमें वो साक्षात जगदम्बा दिखती है, यानी भारत माता जगदम्बा का अंश विशेष है। उसी समय, उसके कुछ समय बाद श्री अरविंद ने भवानी भारती लिखा, उसमें भी भवानी भारती का अर्थ है कि ये भारत माता जो भवानी का रूप। तो ये भारत माता की धारणा, फिर बाद में जैसा होता है बहुत से लोग उनका ध्यान भी करने लगे, बहुत से अच्छे आध्यात्मिक लोग। और अपने यहाँ तो यह है कि देवता को आप जिस रूप में ध्यान करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यान्ति देवव्रता देवान, पितृन यान्ति पितृव्रता, भूतान यान्ति भूतेज्या, यान्ति मद्याजिनोऽपि माम, जो जिस रूप में, यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, जो श्रद्धा से जिस रूप की भी उपासना करता है मैं वही उसकी मति स्थिर कर देता हूँ, अचल कर देता हूँ। तो ये भारत माता के रूप में करने लगे। तो बहुतों को भारत माता का दर्शन भी हुआ, गिने चुने दो चार लोगों को, क्योंकि वो क्या है, जगदम्बा का रूप है। और वो जो वंदे मातरम में भारत माता का चित्रण था वो स्पष्ट रूप से जगदम्बा का रूप विशेष है। जैसे उसमें कहते हैं कि सुजलाम सुफलाम आदि तो सब वर्णन करते हैं, लेकिन अंत में कहते हैं त्वम हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वाम, नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम श्यामलाम सुस्मिताम भूषिताम सुखदाम वरदाम मातरम, है ना। त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, यानी आप दुर्गा हैं साक्षात, भारत माता क्या है, दुर्गा का रूप है, और आपकी दसों भुजाओं में शस्त्र है और वाणी है, और आप साक्षात जगदम्बा हैं। आपकी ही प्रतिमा, तुम्हारा ही प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, आपकी ही प्रतिमा सब मंदिरों में है। यानी जितनी भी प्रतिमाएं मूर्तियां दिखती हैं हमारे यहाँ, चूंकि दर्शन की बहुत पुरानी परंपरा है, तो सबको पता था कि एक अव्यक्त सत्ता है, परम सत्ता, उसी की सब मूर्तियां हैं साधना के लिए, क्योंकि वो प्राण प्रतिष्ठा के बाद आप उनकी सेवा अर्चना करते हैं, तो आप सीधे भगवान विष्णु और योगेश्वर श्री कृष्ण की कर सकते हैं जो मूल रूप है। लेकिन अगर आप चाहें तो अन्य किसी भी रूप की, ब्रह्मा विष्णु शिव इन इन रूपों में, इसके बाद विभिन्न देवी देवताओं के रूपों में, लेकिन उद्देश्य सबका वही है कि जैसे सब नदियां अंत में सागर में जाती हैं, तो भगवान कृष्ण ने कहा है कि सारी उपासना अंत में मुझ में ही मिलती है। तो आप किसी भी रूप की उपासना करें आप अंत में विष्णु को, भगवान कृष्ण को ही प्राप्त करते हैं। तो इस भावना से, ये भावना देश भर में व्याप्त थी। कैसे व्याप्त थी? धर्म के ज्ञाता विद्वानों के द्वारा, कथावाचकों के द्वारा, भागवत आदि का सारे देश में पारायण होता है, रामचरित रामायण का अलग अलग रूपों का गायन होता है। तो सबको पता है कि एक ही परम सत्ता है जो भगवान विष्णु हैं, नारायण हैं, सर्वव्यापी हैं, श्री कृष्ण हैं, उनके ही सब रूप हैं। और यह गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि यो यो याम याम तनुम भक्त्या श्रद्धार्थम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम म्यहम, जो जिस रूप से भी उपासना करता है मैं वहां ही उसकी श्रद्धा विदधामी स्थिर कर देता हूं। तो भारत माता की उपासना भी चली। अब इसमें जो हुआ, तो उस समय जो लोग भारत माता की जय बोलते थे उसमें जो श्री अरविंद हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, ये सब लोग साधक थे। स्वामी विवेकानंद के जो गुरु हैं श्री रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने कभी भारत माता की बात नहीं की। यानी गुरु ने केवल काली की,
उसी को भवतारिणी कहते थे, जगदम्बा, श्री श्री भवतारिणी, माँ काली, उन्हीं की उपासना करते थे। वो सब जगह काली को ही देखते थे। विवेकानंद चूंकि ब्रह्मो समाज से थे, बंकिम भी कुछ दिन ब्रह्मो समाज में थे, तो ये सब लोग जो है नया नवाचार करते थे, इनोवेशन एक तरह का है ये। तो जो जगदम्बा हैं उनको भारत माता के रूप में प्रस्तुत कर दिया, श्री अरविंद ने भी किया, और श्री अरविंद और स्वामी विवेकानंद ने साधना के द्वारा उनका दर्शन भी किया। अब इसमें जो सबसे महत्व की बात आती है कि जब तक आप भारत माता को जगदम्बा का रूप विशेष मानते हैं, क्योंकि दुर्गा माता कई रूपों में प्रकट हो सकती हैं, वो तो स्वयं नारायण के रूप में भी बन जाती हैं, शिव भी वही हैं, कृष्ण भी वही हैं, राम भी वही हैं, जो दुर्गा का, जैसे सभी हमारे जो देव हैं उनको जिस रूप में उपासना आप करते हैं तो ध्यान के उच्च स्तर पर जाके वो अन्य देवों जैसे भी जाते हैं। इसीलिए सबके सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम है ना, या दुर्गा अष्टोत्तर शत 108 नाम। तो ये क्या है, साधना के अलग अलग सोपान में चढ़ते हुए आप वहां पहुंच जाते हैं जहाँ ये सारे देवता एक ही परम सत्ता के चिन्मय रूप विशेष दिखते हैं, शक्तियां विशेष दिखते हैं। तो वहां ठीक है, तो जैसे कि दुर्गा सप्तशती है, या स्वयं जो दुर्गा माने श्रीमद् देवी भागवत पुराण है, तो वहां देवी को ही बताया गया है कि ये सब देवों की, सभी देवता इनसे ही निकले हैं। और जो विष्णु पुराण है या भागवत पुराण है, वहां सभी योगेश्वर श्री कृष्ण के ही अंश हैं। तो ये पुराणों में, क्योंकि एक ही परम सत्ता है, उसको किस रूप में भी ध्यान करें, अंत में बताना यह है कि ये चिन्मय सत्ता है जो अनंत रूपों में प्रकट होने की सामर्थ्य रखती है, अनंत रूपों में आपको दर्शन दे सकती है, सिद्धि दे सकती है, शक्ति दे सकती है, फल दे सकती है, लेकिन फल आपकी तपस्या और कर्म फल के अनुरूप मिलेगा। और वस्तुतः तो एक ही चिन्मय सत्ता है जिसे भागवत में और गीता में भी श्री कृष्ण कहा है, या नारायण कहा है, पुरुषोत्तम कहा है, तो उन्हीं को अन्य प्रसंग में लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा है। तो ये था, तो जब तक आप भारत माता के रूप में कर रहे थे, तो जो भारत की अध्यात्म की परंपरा है, दर्शन की परंपरा है, ज्ञान की परंपरा है, उससे जुड़े हुए थे। उससे क्या लाभ था, उससे लाभ ये था कि एक तो राष्ट्रभक्ति, क्योंकि नेशन स्टेट बनाने की इच्छा कर रहे थे अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग, तो नेशन स्टेट भी बन जाएगा उन्होंने सोचा। उस समय के लोगों ने, उस समय दुनिया का ज्यादा पता नहीं था, और जो पता था उसमें ये लग रहा था कि यूरोप बहुत तेजी से उभर रहा है, यूरोप के नेशन स्टेट, तो ऐसा लगा कि जो राज्य का नया रूप है वो नेशन स्टेट ही होगा, तो चलो हम भारत में भी नेशन स्टेट बनाएंगे, ऐसा जो उसके पॉलिटिकल लोग हैं इन्होंने सोचा ऐसा लगता है, क्योंकि ये सारा राजनीति के क्षेत्र की बात है। तो नेशन स्टेट के लिए उन्होंने साथ में सोचा कि इसमें आध्यात्मिक चेतना भी रहे, तो भारत माता की बात कही। अब भारत माता की बात जब तक आध्यात्मिक चेतना से जुड़ी हुई है, जब तक वो दुर्गा का अंश है, तब तक तो समझ में आता है। लेकिन फिर इस बीच क्या हुआ कि स्वयं ब्रिटिश स्टेट ने, जो आधे भारत में ब्रिटिश शासन था, शेष आधे भारत में तो राजाओं के, हिंदू राजाओं के, कहीं कहीं मुस्लिम जागीरदारों के छोटे छोटे राज्य थे, हिंदू राजाओं के बड़े बड़े राज्य थे, त्रावणकोर कोचीन से लेके जम्मू कश्मीर तक, और राजपूतों के राज्य बड़ौदा और ग्वालियर और इंदौर आदि के राज्य, बहुत बड़े बड़े राज्य थे। तो शेष आधे भारत में जहाँ अंग्रेज थे, वहां नेशन स्टेट के प्रति आकर्षण बढ़ता गया। तो जो पॉलिटिशियन थे उन्होंने सोचा कि नेशन स्टेट की इच्छा जगाएं देश में, इसके लिए भी भारत माता की बात करें। तो भारत माता के दो स्तर हो गए, एक तो हुआ भारत माता जो आध्यात्मिक चेतना से संपन्न श्री अरविंद, स्वामी विवेकानंद आदि देख रहे थे, जिनके अनुसार वो 10 प्रहरण धारिणी दुर्गा हैं, भवानी भारती हैं, वाणी विद्या दायिनी हैं, विद्या हैं, कला हैं, सब कुछ वही है, वीरता है, शौर्य है, कहा है ना, कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजैल खर करवाले, यानी उसमें हे माता, हे जगदम्बा रूपी भारत माता, या हे भारत माता रूपी जगदम्बा, आप कोटि कोटि भुजाओं वाली हैं, और इन कोटि कोटि भुजाओं से शौर्य को प्रकट कर रही हैं। तो यह राष्ट्रीयता की भावना और साथ ही अध्यात्म की भावना, तो शौर्य को जगाने के लिए, राष्ट्रीय शौर्य को जगाने के लिए बहुत सुंदर था। और ज्यादातर क्रांतिकारी वंदे मातरम कह के फांसी के फंदे में झूल जाते थे, क्योंकि उनके मन में यही था कि एक दिव्य शक्ति है जो सर्वव्यापी है, चिन्मय सत्ता है, और पुनर्जन्म होता ही है। बहुत लोग गीता में, गीता हाथ में लेकर, रामप्रसाद बिस्मिल और कई लोगों ने फांसी के फंदे में जाते समय, चंद्रशेखर आजाद ने भी गीता हाथ में लिया।
तो वंदे मातरम, श्रीमद् भगवद गीता, ये सब क्या हो गए? भारत की चेतना से संपन्न राष्ट्रीयता के शास्त्र हो गए, आधार हो गए या देव हो गए, पूजा पद्धति हो गई। लेकिन फिर इसका धीरे धीरे जो लोग देशभक्त थे वो तो अंग्रेजों को ये मान रहे थे कि ये एक अस्थाई चीज है, बाहर से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, कोई युद्ध की घोषणा करके आए नहीं हैं, ये आउटसाइडर और स्ट्रेंजर्स हैं, बाहरी अजनबी लोग हैं, हम इनको मार मोर के भगा देंगे। लेकिन अंग्रेज भी बहुत तेजी से फैल रहे थे और हिंदुओं के तथा कुछ मुसलमानों के भी सहयोग से फैल रहे थे, तो उन्होंने यहाँ तेजी से अपना एक प्रशासन तंत्र, अपने सहयोगी बहुत सारे हिंदू राजाओं को, हिंदू महाजनों को यानी धनी लोगों को और हिंदू प्रबुद्ध लोगों को, और साथ में अपने एंग्लो क्रिश्चियन ढंग के कॉलेज खोल दिए, स्कूल खोल दिए, नीचे से ऊपर तक आधे भारत में, ब्रिटिश भारत में, तो सब जगह शिक्षा के द्वारा, संचार माध्यम यानी प्रचार के द्वारा, सब प्रकार से, फिर अखबार भी निकलने लगे उन्हीं की बात कहने वाले बहुत से, तो शिक्षा, संचार माध्यम और राज्य का बल, इन तीनों के द्वारा वो अपने को बढ़ा रहे थे। तो ये दोनों चल रहा था, तो भारत माता तब तक एक चेतना, राष्ट्रीय चेतना का पर्याय हो गई। परंपरा से ये कोई देवी नहीं है, क्योंकि परंपरा से केवल पृथ्वी को, पृथ्वी सूक्त जो है अथर्ववेद में, भूमि सूक्त जिसे कहते हैं, तो भूमि सूक्त में जो कहा है, तो बहुत से लोगों ने भारत माता का उनके संदर्भ में भी याद किया, लेकिन भूमि सूक्त में क्या कहा है कि रित और सत्य, इनसे भूमि टिकी हुई है ना, तो रित और सत्य के बिना तो भूमि नहीं टिकती, और सारे पुराणों में भी यही वर्णन है। और हम लोग जो कहा तो ये गया है हमारे शास्त्रों में कि प्रत्येक व्यक्ति को सुबह उठ के पृथ्वी माता के, ये केवल हिंदुओं के लिए नहीं कहा है, एक बहुत बड़ा धोखा हो जाता है, हमारे धर्म शास्त्रों में कोई भी बात केवल सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए नहीं कही गई है, कही तो गई है, संपूर्ण मनुष्य का ये कर्तव्य है। अगर संस्कृत नहीं आती तो वो अपनी भाषा में बोले, लेकिन हर व्यक्ति को चाहिए कि सुबह उठकर पहले तो भगवान का स्मरण करे कि आपकी कृपा से ही मैं आज यात्रा करूंगा, आशीर्वाद दीजिए, और उसके बाद प्रणाम करते हैं कि समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम समस्व में, हे पृथ्वी माता, आप विष्णु की पत्नी हैं, भगवान विष्णु सदा आपकी रक्षा करते हैं। पत्नी के कई अर्थ होते हैं, एक तो पत्नी जो आजकल लोग वाइफ वाले अर्थ में लेते हैं, लेकिन एक दूसरा भी अर्थ है कि उसके द्वारा पालित है, उसके द्वारा रक्षित है, तो पृथ्वी विष्णु पत्नी है, नारायण सदा पृथ्वी की रक्षा करते हैं, कोई कष्ट आता है तो उसका भार दूर करते हैं, अवतार लेते हैं, तो हे विष्णु पत्नी आपको प्रणाम करते हैं। तो भारत माता भी फिर विष्णु पत्नी हुई, बहुत समर्थ, लेकिन धीरे धीरे ये भाव भूल गया। जो लंदन जाकर पढ़े हुए और वो भी क्रांतिकारी नहीं थे, जिनको अंग्रेज आउटसाइडर स्ट्रेंजर्स नहीं लगते थे, बल्कि जिन लोगों ने सोचा कि अब तो लगता है अंग्रेज यहाँ रहेंगे ही, तो इनसे दोस्ती कर लो, तो उन लोगों ने धीरे धीरे, उनको भारत माता में कोई श्रद्धा नहीं थी, उनको तो ज्यादातर भारत के बहुत से राजाओं ने भी अंग्रेजों से दोस्ती की, तो बहुत सी उपाधि प्राप्त की जिनका अर्थ होता है कि हम महारानी के स्टार हैं, है ना, उनको स्टार मिलने लगा ब्रिटिश महारानी का, उपाधियां भी ऐसी हैं बहुत सी, FCSI वगैरह जितनी उपाधियां उस समय दी गई उनको, महारानी के कृपा पात्र या चर्च के कृपा पात्र, इस तरह की उपाधियां राजाओं ने बड़े शौक से ली, और दो तरह का आचरण हिंदू राजा करने लगे, एक और तो ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठावान, चर्च के प्रति निष्ठावान, ब्रिटिश महारानी के प्रति निष्ठावान, ये उपाधि लेते थे और अपने देश में अपने को धर्म रक्षक, सनातन धर्म रक्षक बताते थे, एक द्वंद्व पैदा हो गया, क्योंकि उनको लगा कि अभी कुछ दिन ऐसे ही करेंगे, वो एक तरह का चतुराई थी राजनीतिक। और इस बीच जो लंदन में ऐसे लोग जाते थे जिनको लगता था कि अब तो अंग्रेज यहाँ टिकेंगे, तो वो उनके दोस्त हो गए, उनके जैसे कि जवाहरलाल इनर टेंपल में गए, तो इनर टेंपल क्या है, चर्च का एक पार्ट है, वहाँ दीक्षा ली जाती है, ट्रिनिटी कॉलेज है, वो भी ट्रिनिटी की शपथ लेते हैं, यानी होली फादर और यानी गॉड और होली सन या दि सन और होली स्पिरिट, तो वो ट्रिनिटी है, तो ये सब लोग वहां जाके गॉड, उनके इकलौते बेटे जीसस और होली घोस्ट, पवित्र प्रेतात्मा, तीनों की शपथ लेने लगे। तो धीरे धीरे इनका मन गॉड, सन, होली घोस्ट, है ना, पिता, उनका इकलौता बेटा जीसस और पवित्र प्रेतात्मा, इसमें श्रद्धा हो गई। तो भारत माता उनके लिए फिर एक वो चीज हो गई कि
साधारण जनता को बहलाने के लिए भारत माता की जय। लेकिन श्रद्धा किस में है? श्रद्धा है गॉड में, श्रद्धा है जीसस में, दी ओनली बिगॉटन सन ऑफ गॉड, और होली घोस्ट में। तो ये ट्रिनिटी है, ट्रिनिटी कॉलेज हो गया, इस तरह त्रिमूर्ति की साधना करने लगे। यहाँ त्रिमूर्ति का अर्थ ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, दी फादर दी सन एंड दी होली घोस्ट, पवित्र प्रेतात्मा। तो ये एक संक्रमण का काल है। अब उनकी नकल में जो बाकी पार्टी के कार्यकर्ता थे वो कुछ नहीं जानते थे, तो वो हमारा बड़ा नेता जो कह रहा है, गांधी जो कह रहे हैं, नेहरू जो कह रहे हैं, उनके पीछे चल रहे हैं। सभा में ये सब लोग भारत माता की जय करते थे। क्यों? क्योंकि देश का वातावरण क्रांतिकारियों ने, वीरों ने ऐसे बना दिया था। भारत माता की जय बोलोगे तभी भावना जगेगी, तभी शौर्य जगेगा, तभी तेजस्विता जगेगी, तभी वीरता जगेगी। तो सभा में भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन भीतर से उनकी श्रद्धा दी फादर दी सन और होली घोस्ट में है। तो ऐसे लोगों का बहुत बड़ा झुंडा गया जो ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठावान थे। फिर जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी और जापान के साथ, जो कि स्वाभाविक है, शत्रु का शत्रु हमारा मित्र है, तो अंग्रेज ही भारत के शत्रु थे, तो उनके विरुद्ध जर्मनी और जापान से संबंध बनाकर मैत्री करके जब भगाने की कोशिश की, तो और इधर प्रथम महायुद्ध में भी केवल भारतीय सैनिकों के कारण इंग्लैंड के लोगों की रक्षा हुई, इंग्लैंड और फ्रांस के नहीं, तो वो मर जाते, बुरी तरह मार दिया था जर्मनों ने। और द्वितीय महायुद्ध में 25 लाख भारतीय सैनिक गए, उन्होंने इंग्लैंड और फ्रांस की रक्षा की। तो इसके कारण जो अंग्रेज हैं वो, क्योंकि जो शासन कर रहे थे अंग्रेज, अंग्रेजों में भी सब प्रकार के लोग हैं, कुछ बहुत ही सिविलाइज हैं, सभ्य और सुसंस्कृत, कुछ बहुत भले हैं, बहुत सज्जन हैं, हृदय से अच्छे हैं, लेकिन जो यहाँ कठोर शासन कर रहे थे, जिनके मन में क्रूरता और कठोरता थी, जो भारत जैसे देश का सब कुछ छीन लेना चाहते थे, उन्होंने अपने लोग तैयार किए और उनको लगा कि ये जो सुभाष है ये तो जर्मनी और जापान से मिलके हो सकता है हमको हरा दे। और फिर ये भी पता चला कि सेना में सुभाष चंद्र बोस के प्रति सहानुभूति आ गई है, तो उन्होंने सत्ता का ट्रांसफर करने को सोचा। तो जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी ने उनसे समझौता किया। समझौता ये किया कि दोनों देशों का साझा इतिहास, कॉमन कल्चर, कॉमन हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। अब लाखों वर्ष पुराना देश और 150 साल पहले नेशन स्टेट बना इंग्लैंड, इसका क्या कॉमन हिस्ट्री होगी पता नहीं। जाहिर है कि इसका मतलब हम भारत का इतिहास छिपाएंगे और इंग्लैंड के इतिहास को भारत के लिए लिबरेटर बताएंगे, उद्धारक बताएंगे, और अंग्रेजी की शिक्षा देंगे। इस तरह की जब संधि की, तो अब भारत माता, लेकिन तब भी ये बोलते रहे, भारत माता से जनता में ऐसी भावना आती थी, क्योंकि तो वो दुर्गा वाला है ना, तो चित्त में दुर्गा का अंश था कि हम दुर्गा की साधना कर रहे हैं, भारत माता। और हर वर्ष लोकमान्य तिलक ने गणेश पूजा शुरू की, तो फिर दुर्गा पूजा भी शुरू हुई, तो हर वर्ष दुर्गा जी का साधना विसर्जन, पूजा तो वैसे ही घर घर में नवरात्र में होती थी। तो वो जो दुर्गा की भावना और दुर्गा की चेतना की निरंतरता में भारत माता पूरे देश में जो लोकप्रिय हुई, उसको राजनेताओं ने भुनाना जारी रखा कि भारत माता की जय, भारत माता की जय। लेकिन ये जो नए पॉलिटिकल लोग थे, जो दी फादर दी सन और होली घोष्ट में विश्वास करते थे, जो इसके बाद उसमें सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट हो गए, तो इनको तो कोई दुर्गा माता में ही श्रद्धा नहीं थी। जो सोशलिस्ट है, जो कम्युनिस्ट है और जो यूरोपियन किस्म का नेशनलिस्ट है, उसे तो दुर्गा माता में श्रद्धा नहीं है, तो भारत माता में क्या होगी? ये है ना, भारत माता में तो उसी की श्रद्धा होगी जिसकी दुर्गा माता में श्रद्धा है, दुर्गा माता में उसी की श्रद्धा होगी जिसकी ब्रह्म में श्रद्धा है, नारायण में श्रद्धा है, भगवान कृष्ण में श्रद्धा है, श्री राम में श्रद्धा है, उसी की दुर्गा में श्रद्धा होगी। जो सनातन धर्म का अनुयायी है, जो नवरात्र में साधना करता है, जो पुराणों और शास्त्रों को पढ़ता है, तो ये पुराणों को शास्त्रों को श्रद्धा से मानने वाले लोग भारत माता दुर्गा जी के निरंतरता में बोल रहे हैं, दुर्गा जी की स्मृति में बोल रहे हैं, उनके मन में भाव आ रहा है साक्षात जगदम्बा। और ये जो दूसरा वर्ग है, ये मन से सोशलिज्म को मानता है या कम्युनिज्म को मानता है या यूरोपियन नेशनलिज्म को मानता है, और भारत माता की जय उसके लिए मास मोबिलाइजेशन टेक्निक, मास मोबिलाइजेशन की एक टेक्निक है भारत माता की जय। तो नेता जितने हुए जिन्होंने यूरोपियन किस्म की पॉलिटिकल पार्टीज बनाई, उनके लिए भारत माता की जय एक मास मोबिलाइजेशन टेक्निक है। अब ये इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि धीरे धीरे 15 अगस्त 1947 के बाद जो भारत का हिस्सा बचा,
उसमें अभी भी सामान्य जन जो है हिंदू विशेषकर जो सनातन धर्म के अनुयायी, वो तो भारत माता की जय एकदम भावना से बोलते हैं, जगदम्बा उनको दिखती हैं, सर्वव्यापी चेतना समर्थ, अत्यंत समर्थ, वो कृपा करेगी तो हम बड़े से बड़े युद्ध जीत लेंगे, कठिनाई को पार कर लेंगे, वो हमारे भीतर प्रकाशित है। लेकिन कहा ना कि कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करा ले, कोटि कोटि भुजाई सत खर करवा ले, तो सबके मन में तो वो आता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में उसी भाव से प्रार्थना होती है, देखती है, लेकिन कितने लोग उस भावना से करते हैं या एक कर्मकांड के रूप में करते हैं, क्योंकि नेताओं में तो भारत माता की जय एक नारा है। और वो खासकर जब अंग्रेजों ने मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू को सत्ता सौंपने के लिए ये शर्त रखी कि इतना शक्तिशाली भारत ठीक नहीं है, उसको थोड़ा काटो छांटो, तो कहाँ काटो छांटो, जहाँ रिसोर्सेज हैं, अफगानिस्तान वाले एरिया, पाकिस्तान जो आप चले गए, बलूचिस्तान आदि, जहाँ पहले अजरबैजान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान ये भी भारत थे, इसको तो वो स्टालिन और लेनिन को दे ही चुके थे। अब जो बचा उसमें ये था कि इसको देश से अलग करो। तो इस्लाम तो एक आग है, इस्लाम की आग लेकर अंग्रेजों ने, जो कि विश्व राजनीति को इस समय इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका, विशेषकर इंग्लैंड और अमेरिका जैसे दूर तक सोचकर सोचते हैं कि जो हमारा संभावित प्रतिस्पर्धी है वो कमजोर रहे, तो भारत को कमजोर करने के लिए उन्होंने इसके बहुत ही महत्वपूर्ण अंगों को अलग नेशन स्टेट, एनिमी स्टेट बनाने की सोच लिया। तो जो भारत बचा भी था अफगानिस्तान के बाद, जो भारत जिसे वो लोग इंडिया कह रहे थे, स्वयं ब्रिटिशर्स, जिसमें हिंदू राज्य भी आते थे आधे, उस इंडिया के भीतर विद इन दैट नेशन उन्होंने दो एनिमी स्टेट बना दिए, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिम में पंजाब। अब जो, लेकिन जो भारत माता की बात चल रही थी, इसके बाद जो ये यूरोपियन किस्म के नेशनलिस्ट हैं, जिनके लिए भारत माता की जय एक मोबिलाइजिंग टेक्निक है, मास मोबिलाइजेशन की टेक्निक है, तो उनकी पोल कैसे खुलती है? उन्होंने कहा भारत माता का शीश कट गया, भारत माता का अंग भंग हो गया, दोनों भुजाएं कट गई। मतलब आप भारत माता को कोई स्त्री मानते हैं, और वो भी कमजोर स्त्री, जिसे कहा गया था कि चैतन्य सत्ता है, तुम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी वाणी विद्यादायिनी, तो मारे प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करा ले, कोटि कोटि पुजारी सत् खर करवा ले। जब आप कहते हैं भारत माता के अंग भंग हो गया, हाथ कट गए, तो आप ये क्या कह रहे हैं? ये तो अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए लड़ने के अनिच्छुक कायरों की बात हुई ना, नपुंसक, वीरहीन, शौर्यविहीन कायर लोग, उन्होंने भारत माता को एक बूढ़ी औरत बना दिया, अंग भंग हो गया, मेरी भारत माता बहुत दुखी है, मेरी भारत माता कराह रही है। अरे अभागो, अभी तुम भारत माता को तुमने देश में दुर्गा माता का अंश बनाया, जो संपूर्ण सृष्टि का रक्षण करती हैं, पोषण करती हैं, शक्ति देती हैं, ऐसी अद्भुत शक्तिमती चैतन्यमयी सत्ता, उनको तुम कह रहे हो कि वो उनका अंग भंग हो गया? किसमें हिम्मत है कि भारत माता का अंग भंग कर दे? उनको कह रहे हैं कि उनका सिर कट गया, तो और मेरी भारत माता कराह रही, यानी वे नपुंसक राजनेता जो राजधर्म का पालन नहीं करते, प्रजा का रक्षण नहीं करते, प्रजा को भरपूर उसके स्वधर्म में पालन में सहायता नहीं देते, दान और इष्टापूर्ति आदि की जो महान परंपराएं हैं उनका प्रवर्तन नहीं करते, जिससे कि गरीबी बढ़ रही है, अन्यथा भारत में तो गरीबी संभव ही नहीं थी। जो धनी है, और धनी तो उस समय भी भारत में बहुत लोग थे, 15 अगस्त 1947 के बाद देश में बहुत धनी है, तो धनियों को यदि दान की, जो हमारी महान परंपराएं हैं स्तरपूर्ति की, उसकी प्रेरणा दी जाती तो कोई भी समस्या नहीं आती, स्वतंत्र भारत में पर्याप्त धन था। लेकिन इन्होंने सारा काम अपने हाथ में ले लिया, स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा, राज्य के द्वारा हम सब चीजों को नियंत्रित करेंगे, दान भी राज्य देगा और धनियों से सब टैक्स वसूल कर लेगा, कई एक सीमा के बाद तो 100% टैक्स का प्रावधान हो गया, यानी आदमी अपनी आमदनी दिखा ही नहीं सकता। धनियों को चोर बनने को विवश करने वाले कानून बने कि धनी जो, अगर आपने इतने रुपए से ज्यादा कमाया तो आपका 100% टैक्स लगेगा।
ये तो अपराध है, ये तो राज्य नहीं है। राज्य का काम है सबको संरक्षण देना, विशेषकर संपन्न लोगों को और प्रतिभाशाली लोगों को, जो कि महाभारत में कहा है कि उनकी वृद्धि करना और उनका संरक्षण करना और उनके क्षय को रोकना। तो उसकी बजाय ये देश को गरीब बनाने लगे, यूरोप से भारत का माल सस्ते दामों में देने लगे और वहां की टेक्निकल चीजें बहुत महंगे दाम में लेने लगे। यानी जितना धन 15 अगस्त 1947 तक भारत से नहीं गया था, उससे अधिक धन 15 अगस्त 1947 के बाद आज तक विनिमय में, एक्सचेंज रेट में और हेर फेर करके तथा व्यापार की गलत शर्तें स्वीकार करके कर दिया। और फिर कह रहे मेरी भारत माता कराह रही, अपने पाप को ढकने के लिए भारत माता का प्रयोग। हम वीर्यवान नहीं है, हम शौर्यवान नहीं है, हम इस तरह से पाप पूर्ण विभाजन, क्योंकि राज्यों का पुनर्गठन तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947 को भारत राज्य का पाप पूर्ण पुनर्गठन किया गया, तो उसको भारत विभाजन कह दिया। वो क्या है? पार्टीशन ऑफ इंडियन स्टेट, सिंपल पार्टीशन ऑफ इंडियन स्टेट, भारत राज्य का पाप पूर्ण विभाजन। भारत राष्ट्र तो कभी बच नहीं सकता, क्योंकि वो तो चैतन्य सत्ता है, और तुम ही कहते हो कि सब चैतन्य सत्ता है, तो वैचारिक अराजकता है। अगर भारत चैतन्य सत्ता है तो उसका विभाजन कैसे होगा? ये तो हो सकता है कि उसके एक हिस्से में पाप की बहुत वृद्धि हो गई है। पाप की वृद्धि हो गई है तो राजा का काम है पाप को शमन करना, दमन करना, नष्ट करना। तो सही भाषा छोड़ते गए हमारा, हम अपने वीर विहीनता, अपने शौर्य की कमी, अपनी नपुंसकता को छिपाने के लिए सही भाषा बोलने बोलने की बजाय ये धोखा दे दिया। भारत माता कराह रही है, विभाजन से भारत माता कराह रही, भारत माता कराह रही, या भारत माता तुम पर थूक रही है कि तुमने इतना पाप पूर्ण विभाजन स्वीकार कर लिया, और जिसने वहां से डायरेक्ट एक्शन किया मारने लगे, तो तुम अगर भारत माता के सपूत होते तो तुम इनको दुगना मारते। हिंदुओं के पास शौर्य की कोई कमी नहीं है, आखिर वही शौर्य है ना जो आपने अंग्रेजों, इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस की मदद की दोनों महायुद्धों में। जिस देश के वीरों ने दोनों महायुद्धों में दूसरे देशों की मदद की, उस देश के वीरों के रहते कौन यहाँ हत्या कर सकता है? कौन डायरेक्ट एक्शन कर सकता है? कौन विभाजन कर सकता है? कौन पाकिस्तान में हिंदुओं की हत्या कर सकता है? कौन बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या कर सकता है? पापी, केवल पापी राजा ही इसको ऐसे दिखाते हैं, क्या करें मुसलमान बहुत अत्याचारी हैं। अरे आप डराते हैं भारतवर्ष को, हिंदुओं को मुसलमानों से डराते हैं, एक वीर जाति को कायर बनाने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए भारत माता का उपयोग करते हैं। भारत माता कराह रही, भारत माता बहुत दुखी। यानी जो साक्षात दुर्गा अभी जिसे कह रहे थे, कोटि कोटि भुजा खरखर वाले कह रहे थे, वो अब कराहने लगी। तो ये क्या है? ये बौद्धिक आवारागर्दी है, इंटेलेक्चुअल लुम्पेनिज्म है, बौद्धिक लंपटता है। कभी ये कह दिया, कभी वो कह दिया, मेरी भारत माता दुखी है ये कहना है बौद्धिक लंपटता है। भारत माता कैसे दुखी होगी? वो तो साक्षात चैतन्य सत्ता है। मैं उसका कपूत हूं, मैं इतना क्लीव और कायर हूं कि अपना कर्तव्य राजपुरुष के नाते नहीं कर सकता। राज्य का स्वामी, राज्य मुझे जनता ने राजा बना दिया है, मुझे वोट के द्वारा अभिषिक्त किया है, फिर भी मैं उसकी रक्षा नहीं कर सकता, फिर भी मैं गुंडे और अपराधियों और आतंकवादियों के गिरोह से सज्जनों की रक्षा नहीं कर सकता, ऐसा मैं पापी हूं, ये न कह के भारत माता कराह रही। तो आपने एक दिव्य सत्ता, एक चिन्मय सत्ता जो साक्षात जगदम्बा का रूप थी, उससे उसको एक बूढ़ी स्त्री, एक अक्षम स्त्री जो केवल कराह रही है, दुखी है, जिसके अंग भंग होते जाते हैं, जिसके हाथ कट गए आपके अनुसार, सिर भी कट गया, तो ये तो नास्तिक, नास्तिकों ने, तो नास्तिकों की भारत माता एक नारा है, मास मोबिलाइजेशन की एक टेक्निक है। वर्तमान में जो राजनेता हैं उनकी भारत माता में कोई श्रद्धा नहीं है, जिसकी श्रद्धा होगी वो ये शब्द बोल ही नहीं सकता कि भारत माता दुखी है, कि भारत माता कराह रही है, कि भारत माता की अंग भंग हो गया, कभी नहीं कहेगा। उसको याद रहेगा भारत माता साक्षात जगदम्बा, हम तो उसकी कृपा कटाक्ष से जीवित हैं। भ्रकुटि विलास जासुलय होई, जो कहा है देवी को, जिसके ध्रुव संकेत से सृष्टि में उत्थान और पतन होता है, प्रलय होता है, हम तो उसका, हम क्या उसका उपकार कर सकते हैं? हम तो स्वधर्म पालन के द्वारा अपना कर्तव्य निभा सकते हैं, एक पुत्र के नाते अपने सुपुत्र या सुपुत्री के रूप में हम भारत माता के प्रति विनम्र ढंग से अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। वो स्वधर्म क्या है? अगर हम राजपुरुष हैं तो हमारा स्वधर्म है धर्म की रक्षा, प्रजा की रक्षा। अगर हम सेनापति हैं तो हमारे, हमारा कर्तव्य है कि हम शौर्य से रक्षा
चर्चा करें। जो आतंकवादी हैं, जो भारत को कर रहे हैं, पहले विभाजन किया, लाशें काट काट के वहां से भेजी गई पाकिस्तान से, जो उन लाशों को कटियाते देख कर देखता रहा वो धिक्कार के योग्य, वो बारंबार धिक्कार के योग्य है। अगर वो शासक है, हिंदुओं ने तो उसका बदला लिया बाद में, लेकिन उनको दबाया गया। मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने वीर हिंदुओं को दबाया, भारत की वीरता को निरंतर दबाया, तो ये बहुत ही पापपूर्ण काम था। ऐसा पाप नहीं होना चाहिए। हमें जो भारत माता को सचमुच मानेगा वो ये अनर्थ नहीं देख सकता, वो किसी भी अनौचित्य को सहन नहीं कर सकता। तो ये भारत माता जो है वो ऐसे चला है। तो ये जगदम्बा के रूप को भारत माता कहा गया, धीरे धीरे वो एक नारा बना दिया गया, और इस प्रकार वो इस समय एक नारा है। बड़ा डिटेल में आंसर दिया, पूरा इसका हिस्ट्री बताया, भारत माता कहाँ से ओरिजिनेट जी हुआ शब्द। मुझे भी जी मुझे ये सब डिटेल्स मुझे मालूम नहीं था क्योंकि मेरे इसमें रिसर्च इतना नहीं रहता है। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। और एक इसमें प्रश्न आता है फिर कि ये जो एक तो लगता है तो बिल्कुल क्लियर है पॉलिटिकल स्लोगन है, और उसका जो वास्तविक अर्थ जो था कि शिव जी की पत्नी है, वो अर्थ कहीं पे खो गया। और जो एक बात ये भी क्लियर होती है कि क्योंकि बड़ा दुख होता है, बोलते हैं कि भारत का दुर्गा का सिर कट गया, ये इस तरह का, तो मेरे को ऐसा जो ऐसा लगता कहता है उसकी जीभ काट लेनी चाहिए हिंदुओं को, लेकिन अब क्या करें, वो शासन में है। अन्यथा जो कहेगा कि दुर्गा का मस्तक कट गया उसकी जीभ काट लेनी चाहिए, ये हमारे शास्त्रों का आदेश है, लेकिन अब हम लोग शासित हैं। दुर्गा दुर्गा देवी तो पूरे पृथ्वी पे उनका राज चलता है, पूरी सृष्टि पे उनका राज है। तो अच्छा, फिर उसमें एक और बात आ जाती है कि जो इस तरह का, जो आपने तो बहुत इसका कठोर दंड भी होता है मनुस्मृति के अनुसार जैसा आपने बताया अभी, और अगर भारत माता को भारत के लक्ष्य नक्शे में स्थापित किया, आज के नक्शे में स्थापित किया, वो भी पाप हो गया क्योंकि भारत भारत भूमि देवी तो पूरी पृथ्वी है, पूरी पूरी पृथ्वी है। पृथ्वी है। और जो सच्चा भारत माता का भक्त होगा वो संपूर्ण पृथ्वी को पुनः भारत बनाने का प्रयास करेगा। बिल्कुल अमेरिका भी भारत है, इंग्लैंड भी भारत है, फ्रांस भी भारत है, सब जगह सनातन धर्म का जहाँ प्रकाश है वो भारत है। भारत माता का सच्चा उपासक वो है जो संपूर्ण पृथ्वी को सनातन धर्म के प्रकाश से जगमग करने का संकल्प ले। जी हाँ, उसमें होता है वसुधैव कुटुंबकम वसुंधरा, वसुंधरा एव कुटुंबकम, जैसा वसुंधरा जो है पूरी वसुंधरा सारी वसुओं से व्याप्त है, तो पशुओं आपने के द्वारा धारण की गई। हाँ, वसुओं द्वारा वसुधा। धारण की गई, तो उसमें से एक वसु तो हमारे भीष्म पितामह भी हैं, और उनको आठवां उनका पार्ट बोलते हैं, आठवां नवा अष्टम पार्ट, वसु में अच्छा है ना। तो ये तो वसुओं के विरुद्ध भी अपराध हो गया जो कि पूजनीय है, क्योंकि उन वसुओं का बिना तो पृथ्वी चलती नहीं, जीवन नहीं चल सकता पृथ्वी पे। हाँ, देवताओं के विरुद्ध अपराध है, वसुओं के विरुद्ध अपराध है, दुर्गा माता के विरुद्ध अपराध है। और फिर जब हम वसुंधरा बोलते हैं, वसुंधरा, अभी वसुंधरा शब्द आता है कि जब भगवान वराहदेव पृथ्वी को वापस स्थापित करते हैं, फिर वो पूरी वसुंधरा का निर्माण करते हैं, सारे पहाड़ों को स्थापित करते हैं वापस, क्योंकि समुद्र में ऐसा बोलते हैं 100 योजन नीचे चली गई थी वो, तो जी 100 योजन से निकाल कर लाए वराहदेव, और 100 योजन मतलब 800 मील, पूरी की पूरी पृथ्वी अंदर धस गई थी, और फिर उसको निकाल कर लाए, फिर वापस पहाड़ बनाए, वापस सारी नदियां बनाई उन्होंने, सारे पूरे डायरेक्शंस को वापस स्थापित किया उन्होंने नारायण है, पुनः सृष्टि करते हैं। करा, और तब इसको बोला गया वसुंधरा, क्योंकि वसु जो है मतलब इंद्र की सेवा करते हैं लेकिन इंद्र के माध्यम से विष्णु की सेवा कर रहे हैं, और तो उन्होंने वापस यहाँ पे जब ये पूरी पृथ्वी बनाई उसको इतना सुंदर बना दिया कि वो पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई, वो भी अभी हम देखते हैं। आखिर बांग्ला में तो मुख्यतः इसको वसुंधरा ही कहते हैं। बड़ा प्रसिद्ध गीत है, धन धान्य पुष्प भरा आमा दे रही वसुंधरा। तो हाँ ये हमारी वसुंधरा है, बांग्ला में तो यही कहते हैं, धन धान्य और पुष्पों से भरी हुई, धन धान्य पुष्प भरा आमा दे रही वसुंधरा, ये वसुंधरा है, बांग्ला में भी। और जब मंदाकिनी अलकनंदा जो आती है पृथ्वी पे, तो मेरु पर्वत पे आती है, फिर उन उत्तरी दिशा में जाती है, पश्चिमी दिशा में जाती है, फिर कुछ बूंदें उनकी जो पड़ती हैं बाकी प्रांतों में पड़ती है, तो पूरी पृथ्वी पे नदियों का जो प्रवाह है वो वहीं से शुरू हुआ है, वसुंधरा से, वसुंधरा पे जो डिजाइन किया गया पूरा नदियों का प्रवाह। तो फिर
अगर इसको अभी करेक्ट करना हो तो कैसे हम करेक्ट करेंगे इसको, ये जो रॉन्ग परसेप्शन है? तो करेक्ट करना हो तो भारत माता की जय ध्यान के साथ करें। जब जब कोई भारत माता की जय ऐसे नारे के साथ नहीं करना चाहिए। जब कभी भारत माता की जय कहें तो हाथ जोड़कर दुर्गा माता का ध्यान करें और ये संकल्प लें कि संपूर्ण पृथ्वी पर आपकी ज्योति फैलाएंगे, यानी सनातन धर्म की चेतना फैलाएंगे। हमें ऐसा आशीर्वाद दो हे माता, हमें ऐसा वीर दो, बल दो, विक्रम दो, बुद्धि दो, विद्या दो, ज्ञान दो कि हम सर्वत्र फैलाएं। केवल प्रार्थना होगी, है ना। ये इस तरह से वीरता, भारत माता की जय के साथ वीरता नहीं दिखाई जाती। उनके सामने प्रणाम करो, वीरता उन हाथाइयों के सामने दिखाओ, उनको नष्ट करो। जो आजकल के जो मॉडर्न कवि हैं बड़ा कैजुअली यूज कर देते हैं भारत माता का नाम, वो भारत के करंट जो अंग्रेजों ने नक्शा बनाया है उसके ऊपर ही उसमें निर्धारित कर देते हैं, और विच इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग एक्चुअली। नहीं, वो तो गोरों की गुलामी हो गई ना, अंग्रेजों की गुलामी है। अगर आप किसी सीमा को भारत मानते हो तो यू आर स्लेव ऑफ ब्रिटिशर्स, आप अंग्रेजों के गुलाम। ये कहाँ भारत है, ये तो एक अवशिष्ट भूखंड है, भारत माता का अवशिष्ट भूखंड। और जब हम दुर्गा के रूप में देख रहे हैं अभी भारत माता को, तो उस समय अभी अब आपको अट्टशूल प्रहरणे खड़ग खेड़ग धारिणी गोपिंद रस्य नंद गोपकुल, तो फिर नंद के कुमार भी आ गए, उनको अनुज गोपिंद रस्य अनुज ज्येष्ठे हो गया, और नित्यम वसति पातालि इद जैसी दानवान आता है कि वो पूरे पृथ्वी जो दिली दी हुई है उसमें वो हर क्षेत्र में व्याप्त है, और दुर्गा की स्तुति तो अर्जुन बहुत करते थे युद्ध करने से पहले, जो कि शास्त्रों में लिखा हुआ है, और जगह जगह जाके जैसे आठ हाथों में तो मूर्ति आनंद अनु और इस्तर, ये सब जो नाम है जो यूरोप में है या साउथ अफ्रीका साउथ सॉरी अफ्रीका में है या साउथ अमेरिका में है, तो वो तो सब जगह एक ही चित्रण है कि दुर्गा की आठ एक आठ बाहें हैं, आठ आठ ही मतलब है अट्टशूल प्रहरणे। और उनका अभय हाथ है, खट्वांग शूल वरदा अभय हस्त मीशम। तो वो तो त्रैलोक्यमयी है, त्रैलोक के चैतन्यमयी। बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका, और इस पे इतना इम्पोर्टेंट ये सेशन है, जो लोग भारत माता की जय बोलते हैं तो इस बार आपको नए तरीके से बोलना पड़ेगा, सिर्फ सिर्फ भारत माता की जय को नारा ना बनाइए, या फिर उसको कविता के रूप में आप उसको अंग्रेजी मानसिकता को वापस ना लाए, तो पूरा विश्व ही भारत माता है, पूरी पृथ्वी भारत माता है, और अगर बिल्कुल उसको विष्णु की छोटी बहन के रूप में या शिव जी की पत्नी के रूप में अगर आप उसकी प्रार्थना करेंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगी, ये उसका बिल्कुल, ओरिजिन, तो लक्ष्मी की छोटी बहन। लक्ष्मी की छोटी बहन, और लक्ष्मी माना लक्ष्मी जाएगा क्योंकि लक्ष्मी ही सो है, साक्षात लक्ष्मी। रियल कहा ना, धन धान्य पुष्पे भरा आमादे रही वसुंधरा, ये वसुंधरा है, धन धान्य पुष्प से भरी हुई। एक्चुअली एक रिस्पेक्ट चला गया है, मतलब एक पहले एक रिस्पेक्ट होता है, जैसे अमेरिका में और अदर देशों में देखते हैं कहीं भी खोद के कुछ भी निकाल लेते हैं, खानों को रावण का काम था खान खोदना, जबकि खानों को खोदना बड़े और युधिष्ठिर महाराज भी खोदते थे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं खोदते थे, लेकिन एक रिस्पेक्ट रहती थी कि पहले पूजा होगी फिर उसमें प्रतिष्ठा होगी, परमिशन ली जाती थी फिर उसके बाद हो रही है, लेकिन अभी आजकल क्या हो गया, बस खोद डालो यहाँ पे आपकी पृथ्वी है और जब तो मर्जी आए पाप न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दो, और आजकल जो मॉडर्न वेस्ट है वो भी पृथ्वी के अंदर डाल के उसका वो रेडियो तो एक्टिविटी पाप खत्म किया जाता पाप है, वो बहुत तो, और वसुओं के साथ अपमान है। आखिर वो अपमान है, वसुओं पर अत्याचार है, और बस उसका बदला लेंगे, बस उसका दंड देंगे, कभी होता नहीं ही है, देंगे देखिए वसुओं। देख ही रहे हैं कि कैंसर हो रहा है, बहुत नए नए हाँ, तरीके की डिजीज हो रही है, और ये यूरोप वसुओं से रक्षित है, समस्त वसुंधरा वसुओं के द्वारा रक्षित है। अच्छे थे। थैंक यू सो मच रामेश्वर जी, और सब सब दर्शकों का, सभी दर्शकों का, आप सब लोग जुड़े रहिए और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, 25 अगस्त को जरूर जुड़िएगा हमारे साथ सैन डिएगो में फॉर द लिट फेस्ट। नमस्ते।